वर्धा जिल्ह्यात आज मुस्लिम बांधवांची रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली आहे. ईद निमित्त हजारो मुस्लिम बांधवांनी नमाज अदा करून जगात शांतता राहावी अशी प्रार्थना केली. तब्बल 2 वर्षानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर एकत्र येत नमाज अदा करण्यात आले असल्याने मुस्लिम बांधवांमध्ये उत्साह दिसून आला आहे. त्यानंतर सर्वांनी एकमेकांची गळा भेट घेत एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. दो साल से जो कोरोना का माहौल था तो हमारे समाज वालों ने सबका ख्याल रखते हुए सादगी से मनाए थे. अब इस साल तो उतना है नहीं पेशेंट, इसलिए जो महीना भर रोज़ा रखे उसके बाद में ईद आई है तो आज सब मिलजुल के ईद मना रहे हैं. उसमें हमारे समाज के भी लोग हैं और भी है, सब मिलजुल के अच्छा मना रहे हैं. सुबह हम लोग का अलग अलग समय पे नमाज रहती है, थोड़ा धूप वगैरह भी उसको देखते हुए जल्द से जल्द नमाज हुई सुबह. उसमें उसके बाद फिर वहाँ मुलाकात हुई बहुत से लोगों से और उसके बाद में सब एक दूसरे के घर जाते हैं, सेवई वगैरह मीठा वगैरह खाते हैं और जो दोस्त लोग हैं और जो और भी समाज के लोग हैं उनको भी घर पर बुला के मीठा वगैरह और मिलते हैं, उनसे गले मिलते हैं और सादगी से जितना हो सके मना रहे हैं. वैसे ही हम लोग का एक पार्ट है जिसमें हम लोग ज़कात वगैरह बोलते हैं, कुछ पेमेंट पैसा निकालते हैं जो भी साल भर कमाई होती है उसमें से, और कुछ फितरा में कुछ अनाज वगैरह देते गरीब को, और ज़कात में पैसा या आपका कपड़े वगैरह की शक्ल में जो गरीब है जो मना नहीं सकते और उनको वो हिसाब से उनको कपड़े देते हैं और मिलजुल के हम लोग मनाते हैं. मैं मेरे तरफ से पूरे देशवासियों को और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सभी लोग को हर समाज वाले को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. और इतने साल से जो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग, मैं चाहता कि जब तक दुनिया है जब तक सब मिलजुल के रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद की खुशी हो. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.